बेशक धारा 118 को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फैसला वापस ले लिया है, लेकिन इस तरह धारा 118 को लेकर की जा रही छेड़छाड़ पर कांग्रेस ने उग्र होकर हिमाचल ऑन सेल की बात कहने लगी है और बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने धारा 118 को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी को फजूल बताया और कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है और सत्ता से बाहर होने पर झूठा प्रचार कर रही है। जिला कांग्रेस महासचिव अजय शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब जब प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, धारा 118 से छेड़छाड़ का प्रयास हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों के साथ बीजेपी सरकार खिलवाड़ करती है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चाहती है कि प्रदेश के अंदर बाहरी लोगों को बसाया जाए ताकि यहाँ की शांति भंग हो। इस सरकार को जो मूलभूत सुविधाओं के प्रति कार्य करना चाहिए था, उससे हटकर अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार है, उसने जो 118 की धारा के जो साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, ये एक मुझे लगता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हिमाचल के हितों से ये किया जाता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आती है, तो मुझे लगता है इस तरह का ये बार बार प्रयास किया जाता है कि बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जाए। क्या जरूरत है ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को कि वो बाहर के लोगों को यहाँ लाकर क्या दर्शाना चाहती कि हिमाचल के लोग यहाँ अपने शांतिपूर्वक तरीके से नहीं रह सकते हैं? आज अगर हिमाचल प्रदेश शांत प्रिय प्रदेश है और इसमें अगर बहुत ज़्यादा किसी तरह की कोई बात नहीं है, वो इसलिए है कि वहाँ हिमाचल के लोग ही रह सकते हैं। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है और सत्ता से बाहर होने पर झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विपक्ष में रहकर फिजूल की बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। हिमाचल ऑन सेल का नारा कांग्रेस ने आज से कई वर्ष पहले भी लगाया और जब सत्ता में आए तो पहला ही विधानसभा सत्र में आकर कहा कि नहीं, ये झूठ था, ऐसा नहीं हुआ। तो कांग्रेस तो झूठ बोलने में माहिर है, ये यही करती है, विकास रुकवाती है, भ्रष्टाचार करती है, सत्ता से बाहर होने पर झूठे प्रचार करती है।